डीजीपी को जारी किया है नोटिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, बड़ी और अहम खबर है। हिंसा को लेकर डीजीपी को नोटिस जारी किया है एनएचआरसी ने। आपको बता दें कि यूपी में हिंसा पर 4 हफ्ते की रिपोर्ट मांगी गई है डीजीपी ओपी सिंह से। इंटरनेट सेवा बंद करने पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, एनएचआरसी ने डीजीपी को जारी किया है नोटिस। हिंसा को लेकर डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। यूपी में हिंसा पर 4 हफ्ते में मांगी गई है रिपोर्ट। इंटरनेट सेवा बंद करने पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। एनएचआरसी ने डीजीपी को जारी किया है नोटिस। बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हिंसा को लेकर डीजीपी ओपी सिंह को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूपी में हिंसा पर 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव से जुड़ चुके हैं। राहुल, एनएचआरसी ने डीजीपी ओपी सिंह से रिपोर्ट मांगी है हिंसा को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें कि 19 दिसंबर को जिस तरह से राजधानी लखनऊ और संभल में हिंसा हुई थी और जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी बाद में, इसको लेकर एनएचआरसी ने डीजीपी ओपी सिंह से एक रिपोर्ट तलब की है कि यूपी में हिंसा की क्या वजह थी, जो मौत हुई है वो कैसे हुई है, क्या वो पुलिस की गोली से हुई है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर रिपोर्ट मांगी। साथ ही साथ जो इंटरनेट सेवा बंद है जो कि आज देर शाम तक बंद रहेगी, इसको भी लेकर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई है। तो तमाम बिंदुओं पर हिंसा को लेकर खास करकर डीजीपी ओपी सिंह से एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी कि हिंसा के पीछे क्या वजह थी। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, जहां पर एनएचआरसी ने डीजीपी ओपी सिंह से को नोटिस जारी किया है जिस पर उन्होंने जवाब मांगा है। 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। इंटरनेट सेवा बंद करने पर भी मांगा है जवाब। हिंसा को लेकर डीजीपी ओपी सिंह को जारी किया गया है नोटिस। अगली बड़ी खबर भी आपको